ये नेक्स्ट जेएस और रिएक्ट का नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे स्टेट के बारे में। देखिए स्टेट के बारे में यहाँ पे समझने से पहले समझिए, स्टेट एक टर्म है यहाँ पे जो बेसिकली अवस्था को यहाँ पे दिखाता है, नॉर्मल पोजीशन को दिखाता है या वैल्यू को दिखाता है। हम जब कंपोनेंट बनाते हैं तो कंपोनेंट कुछ ना कुछ याद रखे, कुछ ना कुछ उसको याद रहे, मेमोराइज रहे, उसके लिए हम लोग बनाते हैं स्टेट। ध्यान रखने वाली बात है कि स्टेट क्या होता है, एक कंपोनेंट का मेमोरी होता है। कंपोनेंट जो होता है जो हम बना रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ याद रखने वाली मामले आ जाएंगे, जैसे डेटा याद रखना, कोई इन्फॉर्मेशन याद रखना। जैसे मान लो कि हम शॉपिंग कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे कार्ट में कितने इन्फॉर्मेशन है, कौन कौन सा प्रोडक्ट कार्ट में ऐड है, ये उसको याद रखना पड़ता है। लास्ट टाइम आपने क्या क्या सर्च किया था गूगल को, गूगल के सर्च बार में आपको याद रहता है कि आपने इससे पहले पहले क्या क्या नाम से सर्च किया था। इस तरह की चीज़ें जो इन्हें याद रखने वाली स्थिति होती है उसको स्टेट का इस्तेमाल करके हम लोग स्टोर कर सकते हैं। यानी कह सकते हो मोटे मोटे तौर पे कंपोनेंट का वेरिएबल होता है स्टेट, कंपोनेंट का मेमोरी होता है स्टेट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। कंपोनेंट ऑफ एन नीड टू चेंज वर्ड ऑन द स्क्रीन रिजल्ट ऑन द इंटरफेस। कंपोनेंट हमेशा डेटा को बदलता रहता है और जो बदलाव है वो आपको दिखना चाहिए, वो जो बदलाव है उसको आपको दिखना चाहिए। एक कंपोनेंट जो आउटपुट आ गया आपका, एक एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 है, मान लीजिए एरे में मैंने पांचवा डेटा डाला, तो ये पूरा का पूरा पेज अगर रिफ्रेश नहीं होगा, पेज अगर रीलोड नहीं होगा, या दूसरी भाषा में कहें री रेंडर नहीं होगा, तो इसका मतलब है पांचवा इन्फॉर्मेशन होने के बाद भी नहीं दिखेगा, होने के बाद भी नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि वो कहीं री रेंडर नहीं होता है। इसके एग्जाम्पल से समझिए, जैसे आप किसी फॉर्म को टाइप कर रहे हो और नेक्स्ट जा रहे हो, आपका इमेज कैरोजल कौन सा चलेगा, फॉर एग्जाम्पल स्लाइडर चल रहा है इमेज का, तो कौन से नंबर का इमेज स्लाइडर पे अभी आप हैं ये कौन याद रखेगा? तो ऑफ कोर्स कंपोनेंट का स्टेट याद रखेगा। कितना शॉपिंग कार्ट में डेटा है, जब आप बाय करते हो, क्लिकिंग बाय शुड पुट अ प्रोडक्ट इन शॉपिंग कार्ट, उसको भी कौन याद रखेगा? तो उसको कंपोनेंट याद रख सकता है। कंपोनेंट रिमेंबर थिंग, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो तो कंपोनेंट को याद रखने की जरूरत पड़ती है। याद रखने का मतलब है वेरिएबल जिसमें हम स्टोर करते हैं, वो डेटा जिसमें हम जगह पे स्टोर करते हैं, वो बेसिकली एक याद रखने वाली जगह है। कैसे क्या क्या याद करना चाहता है, करंट इनपुट क्या था, करंट इमेज क्या था, या शॉपिंग में कार्ट में क्या क्या था, ये सारी चीज़ें याद करने वाली चीज़ें होती हैं। और कंपोनेंट को एक स्पेसिफिक मेमोरी दिया गया है जिसे हम कहते हैं स्टेट। ठीक है, तो उसको बनाते कैसे हैं, चलिए सबसे पहले ये समझते हैं बनाते कैसे हैं। देखिए हम लोग जो एक रेगुलर वेरिएबल बनाते हैं ना, वो इनफ नहीं हमारे लिए। मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ, जब हम लोग रेगुलर वेरिएबल बनाते हैं तो वो मेरे लिए इनफ नहीं है। क्यों नहीं है, इसकी वजह बहुत सिंपल समझ लो। मैं जैसे इवेंट हैंडलर हटा देता हूँ, देखो मैं इसको समझाने के लिए एक अलग कॉम्पोनेंट बनाता हूँ। ठीक है, इसका नाम रखता हूँ डाटा, नहीं डाटा नाम से सही नहीं रहेगा, कार्ड नाम से, कार्ड डॉट जी ओ टी। ठीक है, अब एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट सॉरी एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और उसके बाद कार्ड, ये एक एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन निकालना होगा मुझे, फंक्शन कार्ड। ठीक है, मैं समझाने के लिए कि ये क्यों याद रखना जरूरी है और एक नॉर्मल वेरिएबल टेस्ट क्यों नहीं काम करता। देखो अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरा एक ऐसा कंपोनेंट में एक ऐसा रिटर्न आए जो कि नॉर्मली H1 में रहे और उसके आगे H1 में यहाँ पर हम बेसिकली 1 दिखाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल काउंट काउंट कॉलन 1। ध्यान से समझना क्या कहना चाह रहा हूँ, इसके जस्ट नीचे एक बटन हो, बटन हो, बटन टाइप बटन हो, और इस बटन के सामने प्लस प्लस लिखा, ठीक है, या ऐड लिखा, एग्जाम्पल समझ लो। अब ये कार्ट नाम का कॉम्पोनेंट मैं ऐसे यहाँ दिखाता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कार्ड कंपोनेंट को कॉल कर लूँ जो मैंने अभी बनाया। देखिए अब आउटपुट देखिए इसमें क्या दिख रहा है, 1, और ये बटन मेरा है ऐड। ठीक है, मैं थोड़ा सा अच्छे से इंटरेक्ट करता हूँ, थोड़ा डिज़ाइन को सही करता हूँ कार्ड को, इसमें क्लास लगा के सॉरी BG डैश रेड डैश 500 टेक्स वाइट MS3 MY2 राउंडिंग, ये थोड़ा बटन जैसा दिखना चाहिए। इसका डिव बना लेता हूँ, क्लास नेम क्लिक क्लिक डैश कॉल कॉलम वाइज हो जाए, नहीं कॉलम वाइज करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है,
थोड़ा सा गैप दिलवा दूंगा, यहाँ पे इंडिंग टैग में दिक्कत हो गया, यहाँ पे भी क्लोज होगा है ना, अगर तुम नोटिस करोगे तो यहाँ भी क्लोज हुआ है, और ये ऐसा दिख रहा है फिलहाल। थोड़ा सा इसको आइटम सेंटर कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा गैप की जरूरत पड़ेगी, गैप टाइम। देखो नोटिस करो, जब हम लोग ऐड बटन पे क्लिक करें ये 1 से 2 हो जाए, 2 से 3 हो जाए, ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चीज का कोड हटा देते हैं, जो स्ट्रीमिंग स्ट्रीप आ रहा है वो हट जाए, ठीक है। क्या चाहिए हमको, जब हम इस पर क्लिक करें तो हम एक इवेंट बनाएंगे, हम सब जानते हैं जब हम क्लिक करें तो इवेंट बनेगा, तो यहाँ पे कॉन्स्ट हैंडल क्लिक, ठीक है ना, या फंक्शन का नाम आप ऐसे लिख सकते हो, इजी है, ऑन ऐड, देखिए ऑन ऐड इस तरह से। अब हम इसमें इवेंट में कुछ करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कि हम एक लोकल वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पे, लेट, ध्यान से देखना, लेट काउंट, काउंट का इनिशियल वैल्यू कितना है, 1, ठीक है। हम जब ऐड पे क्लिक करें तो काउंट का वैल्यू क्या हो जाए, प्लस प्लस हो जाए, यानी प्लस प्लस का मतलब है कि इंक्रीमेंट हो, और ये हम चाहते हैं बटन के ऊपर ऑन क्लिक पे लगा जाए, ऑन क्लिक पे, और फंक्शन का नाम क्या है, ऑन ऐड, ठीक है। ये इवेंट मैंने डाल दिया, ये ओ कैपिटल होगा नहीं स्मॉल होगा, ठीक है। जो 1 है यहाँ पे लिखा हुआ, अब हम इसको जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल यानी काउंट वेरिएबल को यहाँ प्रिंट कर सकते हैं ना। अब ये इवेंट लग गया तो अब हमको ऊपर में क्या करना होगा, यूज क्लाइंट लिखना होगा, ठीक है, आउटपुट देखिए। जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो कोई चेंजेस आ रहा है, 1 2 3 ऐसा होंगे, लेकिन मेरा वेरिएबल बदल रहा है, आपको हम दिखाते हैं इंस्पेक्ट में, मेरा वेरिएबल बदल रहा है। कंसोल में देखिएगा, कंसोल में यहाँ पे देखिए, मैं अलर्ट करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पे प्लस प्लस होने के बाद कंसोल डॉट लॉग, और जो काउंट का वेरिएबल है वो मुझे दिखा, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो कितना हुआ, जब मैं इस पर क्लिक किया तो कितना हुआ, लेकिन यहाँ कोई चेंजेस नहीं आ रहा। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि व्हेन अ रेगुलर वेरिएबल इज नॉट इनफ, रेगुलर जो वेरिएबल अभी लेट लगा के यूज किया ये रिएक्ट में इनफ नहीं होगा। क्यों इनफ नहीं होगा, की वजह सुनो, हियर द कंपोनेंट दैट रेंडर द स्ट्रक्चर इमेजेस एंड द नेक्स्ट बटन शुड बी, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये नेक्स्ट पर क्लिक करने से ये 12 इमेज का लिस्ट है, इसमें पहला का दूसरा होना चाहिए, नहीं हो रहा, देख नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि इसने नॉर्मल इंडेक्स वेरिएबल यूज किया है लेट लगा कर, और उसके बाद उसने उसने प्लस प्लस किया, वही प्लस प्लस जो मैंने किया वो प्लस प्लस किया, लेकिन ये काम ही नहीं कर रहा। क्यों नहीं काम कर रहा, इसकी वजह बताते हैं आपको। देखिए वेरिएबल तो चेंज हो रहा है, वेरिएबल का डेटा चेंज हो रहा है, इसका प्रूफ हम कंसोल में दिखाया आपको, लेकिन वो इंट्रैक्ट वो जो डेटा अपडेट हो गया उसमें दिखना चाहिए वहाँ पे, वो नहीं दिख रहा, उसकी वजह बताता हूँ। उसकी वजह ये है कि जब हम नॉर्मल वेरिएबल को अब चेंज करते हैं, ध्यान से समझना, जब हम नॉर्मल वेरिएबल को कोई बदलते हैं, जैसे हम 0 से 1 किए, 1 से 2 किए, या 1 से 2 3 3 किए, 4 किए, जो चेंज कर रहे हैं, ये वेरिएबल को तो चेंज कर रहा है, लेकिन जो आउटपुट मेरा एचटीएमएल आया है, जेएसएस आया है, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से हमको नहीं दिख रहा है, हो रहा है लेकिन दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये जो क्लिक कर रहे हैं इससे ये वाला कॉम्पोनेंट जो एक बार रेंडर हुआ था 1, वैसे ही है, री रेंडरिंग नहीं हो रहा है, यानी वो डेटा चेंज नहीं कर रहा है, वो अपने अपने स्टेट में बदलाव नहीं कर रहा है, अपनी अवस्था में बदलाव नहीं कर रहा। तो अवस्था में बदलाव कराने के लिए क्या करना होगा, माइनर से चेंजेस, ध्यान से समझे इसको, नॉर्मल वेरिएबल बनाना बंद करो, क्या करो, कॉन्स्ट या लेट जो भी लगाना चाहते हो लगाओ, उसके बाद तुम एक स्टेट बनाओगे, स्टेट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बड़ी ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, आपका इसका नाम रखो काउंट, इसका नाम रखो सेट काउंट, सेट काउंट क्या करेगा, एक फंक्शन है, और काउंट क्या, एक वेरिएबल, काउंट वेरिएबल क्या करेगा, उसमें डेटा कितना है वो स्टोर करके याद रखेगा, और सेट काउंट क्या करेगा, उसमें जो बदलाव होगा वो फंक्शन ट्रिगर करेगा सेट काउंट, ठीक है। अब इसके आगे क्या लिखना है, इसके आगे लिखना है यूज यूज स्टेट, क्या लिखना है, यूज स्टेट, ये ऊपर से देखोगे इम्पोर्ट भी हो जाएगा, यूज स्टेट के आगे वो वैल्यू डाल दो जो हमको इनिशियली डाल रखना है, तो कितना रखना है, ऊपर वाला कंपोनेंट हमको नहीं चाहिए, हटा दो। अब आप जब अपग्रेड करते हो यानी कि डेटा में जो चेंजेस करते हो वो आपको काउंट वेरिएबल से नहीं करना, सेट काउंट से करना, तो सेट काउंट से करने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे फंक्शन चलाओगे सेट काउंट, और उसके बाद लिखोगे काउंट जो भी पहले से है,
प्लस इक्वल टू वन, या काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन, या काउंट प्लस प्लस। तो नॉर्मली प्लस प्लस को अवॉइड करके आप काउंट प्लस इक्वल टू वन कर सकते हो। तो जो आपका जो अब जो वेरिएबल बदलेगा, तो वो वेरिएबल बदलेगा इस फंक्शन के साथ। जब भी ये फंक्शन चलेगा तो बार बार ये वाला कॉम्पोनेंट आपका एचटीएमएल में रिफ्रेश होगा। जब जब ये फ्रेज रिफ्रेश होगा आपका काउंट वैल्यू बदल जाएगा। दिखाते हैं, देखिए देखिए, ठीक है। तो आपको स्टेट बनाने का तरीका क्या समझना है? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये यूज स्टेट नाम के हुक, हुक किसे कहते हैं वो सुन लीजिए। ये रिएक्ट का हुक कहलाता है, जिसके आगे यूज वर्ड लगा हो समझ लीजिएगा वो हुक है, ठीक है। यूज स्टेट जो लिखा हुआ फंक्शन, बना बनाया हुआ फंक्शन है, बिल्टिन फंक्शन है, लाइब्रेरी फंक्शन है। तो रिएक्ट का बना बनाया हुआ फंक्शन को हुक कहते हैं, बना बनाया हुआ फंक्शन को रिएक्ट के हुक कहते हैं। तो इस्तेमाल करना है, फिर नाम के आगे क्या लगा, यूज, यूज स्टेट, स्टेट का इस्तेमाल करना, ठीक है। स्टेट को इस्तेमाल करना है, और आपको पैरामीटर में क्या डालना है, इनिशियल वैल्यू, पहला वैल्यू क्या होगा। तो वो जो वन डाला आपने वो काउंट का पहला वैल्यू होगा, और जो ये आपका स्टेट, ये जो लिखा हुआ है सेट काउंट, ये एग्जैक्टली मैं आपको बता दूं, सेट काउंट एक फंक्शन है। जब ये कॉल होगा तो आपका पूरा कॉम्पोनेंट री रेंडर हो जाएगा। री रेंडर मतलब दोबारा से फ्रेश डेटा लेकर आएगा, और आपको दिखेगा बिना पेज रीलोड हुए। अगर आप कोई भी लैंग्वेज से बनाएंगे तो उसमें पेज लोड होगा, इसमें देखिए नहीं हो रहा, पेज बस अपने आप चेंज हो रहा है। मैं आपको एचटीएमएल दिखाता हूँ, देखिएगा एचटीएमएल का वो पार्ट जहाँ पे ये चेंज हो रहा है वो वहां पे लिख जाते हैं। देखो ये H1 है, H1 के अंदर आप काउंट देख रहे हो, ये 22 लिखा हुआ है। जब हम इसको ऐड करेंगे देखो वो अपडेट हो रहा है, देखो देख रहे हो। तो पूरा एचटीएमएल का कोई भी इलाका कहीं पे भी कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, बस वो जगह जहाँ पे वो वेरिएबल डाला वो चेंज हो रहा है, अब वो री रेंडर हो रहा है। वो कैसे हो रहा है वो आगे हम लोग देख लेंगे, लेकिन देखो कितना फास्ट हो रहा है। अगर हम क्वांटिटी इंक्रीमेंट का काम कर दें, प्रोडक्ट में माइनस प्लस बटन होता है, या पेज को नेक्स्ट इमेज को चेंज कर रहे हैं, तो पेज रिलोड होगा ही नहीं, वो अपने आप चेंज हो रहा है, अपडेट हो रहा है। ये जो अभी हम यहाँ पे देखा, ये एक स्टेट कहलाता है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये इंडेक्स नॉट वर्क है ना। अब देखो नीचे से क्या किया, वो स्टेट वेरिएबल बना रहा है। कैसे, सबसे पहले ये इम्पोर्ट कर लेना यूज स्टेट को, जो ऑटोमेटिक भी हो जाएगा, और इसको रिप्लेस कर देना है इसके साथ। देखो इसने क्या बनाया, इनिशियल वैल्यू क्या डाला इसने, जीरो, और इंडेक्स और कॉमा देखे क्या लिखा हुआ है, सेट इंडेक्स, हम लिखा सेट काउंट, ठीक है। इसके बाद नीचे अगर हम जाकर देखें तो उस फंक्शन में उसने क्या किया, इंडेक्स प्लस वन, जो कि हम भी किया। उसके आगे देखो, ये देखो ये वाला एग्जाम्पल देखो, 2 3 4 5 6 7 काम कर रहा, ये इसका इंट्रैक्शन हो गया। ये जो अभी आपने पहली बार जो अभी यूज स्टेट देखा, ये आपका क्या है, हुक है, लिखा हुआ है मीट योर फर्स्ट हुक। अभी बहुत सारे हुक हैं, अभी तो शुरू हुआ है, ये पहला टॉपिक है हुक से रिलेटेड, जिसमें हम लोगों ने कौन से यूज किया, यूज स्टेट। ये क्या है यूज, अगर आपको किसी भी फंक्शन के आगे यूज लगा हुआ दिख जाए आप समझ लीजिएगा वो रिएक्ट का क्या है, हुक है, हुक, ठीक है, बना बनाया हुआ फंक्शन। हुक इज ए स्पेशल फंक्शन, हुक क्या होता है, स्पेशल फंक्शन होता है That are only available in a React is rendering. जब भी React render करेगा, React का component मतलब render करेगा, तो ये available होगा, ठीक है। और आप इसको hook into का feature को use कर सकते हैं, मैं बात बताऊंगा hook के बारे में। अभी फिलहाल के लिए आप समझ लीजिए anatomy क्या होगा, anatomy मतलब बनावट, anatomy मतलब आपके काम करने का तरीका। तो use करने के state में आप यहाँ पर use करेंगे let या const, यहाँ पर आप डालेंगे variable का नाम और उसके कॉमा लगा कर लिखेंगे उसके फंक्शन का, तो वेरिएबल का नाम के आगे खाली सेट लगा देना, ठीक है। ध्यान रखें ये दोनों चीज आपके बड़ी ब्रैकेट में होगा, इसको हम लोग कहते हैं डीस्ट्रक्चरिंग। हम थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट के बीचे में बेसिक सा चीज कल बता देंगे। और उसके आगे क्या लगाना है, वो हुक का फंक्शन, और उसके अंदर पैरामीटर में क्या पास करना है, इनिशियल वैल्यू, इनिशियल मतलब पहला वैल्यू क्या होगा, ठीक है। बस ये एनाटॉमी समझ लो, धीरे धीरे करके हम लोग इसको प्रैक्टिस में लेंगे और बहुत सारी चीजें समझ जाएंगे। देखो देखो, सो मोर असेट, सो मोर, सो मोर असेट, सो मोर, है ना। इस तरीके से हम लोग जितना भी चाहे उतना स्टेट एक कॉम्पोनेंट में बना सकते हैं। ध्यान रहे रिएक्ट में बना रहे तो ठीक है, अगर आप बना रहे हैं नेक्स्ट में, क्योंकि मेरा एप्लीकेशन नेक्स्ट का है, तो वो हुक कोई भी लगाइए, यूज क्लाइंट लगाना पड़ेगा, हुक कोई भी लगाइए, यूज क्लाइंट लगाना पड़ेगा, जिसके बाद आप ये चीज पॉसिबल कर पाएंगे। तो फिलहाल के लिए अभी यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इस कंपोनेंट को समझने के लिए हम ये वाला कंपोनेंट बनाए थे कार्ड नाम से, इसको फिलहाल डिलीट मार दे रहे हैं क्योंकि ये प्रोजेक्ट है और कल इसको कंप्लीट करना है। तो फिलहाल के लिए कार्ड वाला कंपोनेंट को हम यहाँ पे ये भी छोड़ देते हैं।
टू में जो मैंने यहाँ पे सॉरी पेज में जो मैंने यहाँ पे कॉल किया था कार्ड को वो यहाँ से हटा देते हैं, जो दो लाइन कमेंट किया था उसको अनकमेंट कर देते हैं, मतलब उस स्थिति में लेके आते हैं जैसे था पहले, कार्ड वाला इम्पोर्ट हटा देना होगा, बाकी खत्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टू डू वाले एप्लीकेशन को कंप्लीट कैसे करेंगे, क्योंकि स्टेट सीख गया है तो उसके इस पर काम भी करेंगे।